1693 में आज ही के दिन मराठा शासक मल्हार राव होलकर का जन्म हुआ था। 1736 में दिल्ली पर मराठाओं की महान जीत में उन्होंने प्रमुख कमांडर की भूमिका निभाई। मल्हार ने 1818 तक मराठा महासंघ के स्वतंत्र सदस्य के रूप में इंदौर पर शासन किया। होलकर वंश उन प्रतिष्ठित राजवंशों में से एक था जिनका नाम शासक के शीर्षक से जुड़ा, जो आमतौर पर महाराजा होलकर या होलकर महाराजा के रूप में जाना जाता था, जबकि पूरा शीर्षक महाराजाधिराज राज राजेश्वर सवाई श्री होलकर बहादुर महाराजा ऑफ इंदौर था। मालवा विजय में पेशवा बाजीराव की सहायता करने पर उन्हें मालवा की सूबेदारी मिली। उत्तर के सभी अभियानों में उन्होंने पेशवा को विशेष योगदान दिया। उन्होंने इंदौर राज्य की स्थापना की। उनके सहयोग से मराठा साम्राज्य पंजाब में अटक तक फैला। 1859 में आज ही के दिन रेडियो के आविष्कार का दावा करने वाले रूस के वैज्ञानिक अलेक्जेंडर पोपोव का जन्म हुआ था। पोपोव ने पहला रेडियो रिसीवर बनाया और मई 1895 में रशियन फिजिकल एंड केमिकल सोसाइटी में इसका प्रदर्शन किया। हालांकि रेडियो का आविष्कार जी मार्कोनी ने किया था, लेकिन रूस के पोपोव ही वह शख्स थे जिन्होंने रेडियो रिसीवर बनाया। 1896 में पोपोव ने रेडियो का पहला ट्रांसमिशन सिग्नल भेजा। उन्होंने सेंट पीटर्सबर्ग में एक कैंपस से दूसरे कैंपस में संदेश भेजा था। 1900 में पोपोव ने हॉगलैंड द्वीप पर रेडियो स्टेशन बनाया। इसका इस्तेमाल रूसी नौसेना संदेशों को भेजने के लिए करती थी। बाद में पोपोव की यह खोज रेडियो का आधार बनी और रेडियो मनोरंजन और सूचना भेजने का माध्यम बन गया। रेडियो से कार्यक्रमों का प्रसारण होने लगा। 1976 में आज ही के दिन 8 सालों तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री और 13 वर्षों तक लेबर पार्टी के नेता रहे हैरल्ड विल्सन ने त्याग पत्र देकर सबको चौंका दिया था। 5 दिनों पहले ही अपना 60वां जन्मदिन मना चुके विल्सन ने त्याग पत्र की घोषणा मंत्रिमंडल की बैठक में की। हैरल्ड विल्सन ने कहा कि मैं अपने फैसले पर अडिग हूँ और इसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। लोगों को इस बारे में तब पता चला जब प्रधानमंत्री महारानी से मिलने बकिंघम पैलेस गए। हालांकि समझा जाता है कि उन्होंने महारानी को अपने फैसले के बारे में महीनों पहले ही बता दिया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस्तीफे का फैसला उन्होंने 2 साल पहले ले लिया था। उन्होंने कहा कि वो निचले सदन में सलाहकार के तौर पर काम करते रह सकते हैं, लेकिन वो सरकार के फैसलों में किसी तरह का हस्तक्षेप नहीं करेंगे। जैसे ही प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र की घोषणा की, उसके बाद कैबिनेट ने बयान जारी कर कहा कि वो इस फैसले से हैरान है और बहुत दुखी है। और 1988 में आज ही के दिन उत्तरी इराक के कुर्द आबादी वाले शहर पर हुए गैस हमले में हजारों लोगों की मौत हो गई थी, जबकि काफी लोग घायल हुए थे। ऐसा माना जाता है कि 20 हवाई जहाजों ने हलबजा के ऊपर विश्लेषकों के अनुसार विमानों से गिराए गए रसायनों में मस्टर्ड गैस, नर्व एजेंट सरीन, तबुन और शायद साइनाइड शामिल थे। ये हलबजा पर उन दिनों में किए गए हमलों में से एक था। इराक ईरान युद्ध के दौरान ईरान ने हलबजा पर कब्जा कर लिया था। कहा गया था कि इराक हलबजा के निवासियों को सबक सिखाना चाहता था। हलबजा में कुर्दों की खासी आबादी थी और वो लंबे समय से स्वायत्तता की मांग कर रहे थे। चश्मदीदों का कहना था कि रसायनों के गिराए जाने के बाद शहर में कई जगहों से 150 फीट ऊंचे धुएं के बादल आसमान की तरफ उड़ रहे थे। कहा जाता है कि जो लोग इस हमले का शिकार हुए उनमें तकरीबन 75% महिलाएं और बच्चे थे।